सब्सक्राइब टू आई एम आर्यन व्लॉग एंड क्लिक द बेल आइकन। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी फिलहाल शाम के बज रहे हैं 5 और मैं हूँ अभी छत पे एक्सरसाइज करने आ रखा था। तो गाइस, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे को कि भाई तू व्लॉगिंग में कौन कौन सा मतलब इक्विपमेंट्स यूज करता है, कौन कौन सा गेयर यूज करता है। जैसे मैं अभी व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो कौन कौन सा सामान को यूज करके व्लॉग कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कौन कौन सा इक्विपमेंट्स, कौन कौन सा गेयर का यूज़ करके व्लॉग बनाता हूँ। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनेगा, लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर नए या सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। और अभी तक गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, जल्दी से जाकर फॉलो कर लीजिए। आईडी शो हो रही है स्क्रीन पे और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और गाइस हाँ, अब हम लोग का 100 वीडियो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। ये होगा 88 वीडियो, ठीक है, और 100 वीडियो कंप्लीट बहुत जल्दी होने वाला है। तो इसलिए मैं एक टारगेट रखा हूँ कि मई में हम लोग को कंप्लीट कर देना है 15 मई से पहले, ठीक है। तो इसलिए आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक टारगेट टू कंप्लीट 100 वीडियो का एक बैकग्राउंड आया होगा। तो ये यही है, मैं टारगेट बना लिया हूँ कि 15 मई तक मेरे को 100 वीडियो कंप्लीट कर देना है, ठीक है। और मैं अब लाइफस्टाइल व्लॉगिंग करूँगा, बिकॉज अभी कोरोना के कारण हम लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, तो लाइफस्टाइल व्लॉगिंग ही करना पड़ेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो लेट्स गो। सो गाइज, मेरे साथ अभी सीन हो चुका है, मैं व्लॉग बना रहा था उसी बीच जो मेरा माउनो का माइक है उसका जो कॉलर पिन होता है वो टूट चुका है। आप देख सकते हो इसका जो हाफ होता है वो टूट चुका है और इसमें ये अब लग नहीं पा रहा है। तो मेरे को अब लगता है फेविक्विक नहीं तो नया कॉलर पिन मंगाना होगा। और ये माउनो का माइक है, आप देख सकते हो, जिसका कि मैंने अनबॉक्सिंग भी किया है। और अभी तक गाइज इसका अनबॉक्सिंग नहीं देखे हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो। और यही था मेरा माइक जो कि काफ़ी ऐसे ही है, 2-4 मंथ हो चुके हैं इसको खरीदे हुए और ये सीन हुआ आज, जो इसका कॉलर पिन होता है वही टूट गया। तो गाइज मैं अभी एक्सरसाइज करने के पहले देखा कि जितने भी पौधे हैं आप देख सकते हो सब कितने मतलब सबको बहुत ज़्यादा प्यास लग रखी है। आप देख सकते हो मतलब जितने पौधे हैं सबको चाहिए पानी। तो पहले पानी देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन कौन सा इक्विपमेंट्स को यूज़ करता हूँ, ठीक है। वैसे तो गाइज मैं यूज़ करता हूँ ट्राइपॉड का भी, ठीक है, बट ट्राइपॉड आप नहीं कह सकते हो कि व्लॉगिंग में काम आता है, ठीक है, बिकॉज़ ये सब बैठ के अगर आप कुछ बात को बता रहे हो और उस टाइम ये ज़्यादा काम देता है व्लॉगिंग में, ऐसे इसका कोई काम नहीं पड़ता है। बट मैं एक ले रखा हूँ बिकॉज मैं भी कभी कभी बैठ के कुछ कुछ बात बता देता हूँ। एंड गाइज एक रहना ज़रूरी भी है ट्राइपॉड, तो इसलिए मैं एक ट्राइपॉड ले रखा हूँ। संडे कमेंट बॉक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा काम देता है, तो इसको मैं इंक्लूड नहीं करूँगा अपने व्लॉगिंग सेटअप में बिकॉज मैं उतना यूज़ नहीं करता इसको व्लॉगिंग में। मैं ब्लॉगिंग में जो जो मेन है जो कि मैं यूज़ करता हूँ वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, चीज़ है कि मैं कौन सा फ़ोन पहले यूज़ करता हूँ अपने ब्लॉगिंग करने में, सबसे बड़ा मेन चीज़ यही है। जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ जिस फ़ोन से, वो है वीवो का Y55S। ये काफ़ी पुराना फ़ोन है, तो आपको कितना कैमरा अच्छा होगा नहीं होगा ये मेरे को अंदाज नहीं है, और कैसा वॉइस क्वालिटी आ रहा होगा वो भी अभी नहीं पता। बट गाइज मैं जो फ़ोन यूज़ करता हूँ ब्लॉगिंग में वो ये है, जो कि ये रियलमी का 5i, जो कि मैं व्लॉग करने में यूज़ करता हूँ। जितने भी व्लॉग्स मैं करता हूँ वो सारे रियलमी 5i से करता हूँ। और कुछ 10-15 वीडियोज मैंने शुरू में जो बनाए थे वो इसी फ़ोन से बनाए थे, जिस फ़ोन से अभी मैं आपको अपना दिखा रहा हूँ, ये वाला फ़ोन। तो गाइज ये वीवो का Y55S जो कि 2016 का मॉडल है, और उसी टाइम मैंने इसको बाई किया था, और उस टाइम का ये फ़ोन है। कैसा कैमरा है नहीं है और कैसा वॉइस क्वालिटी आ रहा है अभी मेरे को नहीं पता है, बट इस फ़ोन को दिखाने के लिए मैं अभी वीवो का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। तो 10-15 वीडियो मैंने इसी पर बनाया है और वो भी 10-15 वीडियो काफ़ी अच्छा था, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये है रियलमी का 5i जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपने ब्लॉग को बनाने में। और भी गाइज बहुत सारे सेटअप है जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो गाइज जैसा कि मैं अभी बताया कि मेरा माइक जो अभी ब्लॉगिंग करते करते टूट गया है यहाँ पर, जिसका कॉलर पिन अभी टूटा है। तो गाइज अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन कौन सा सेटअप का यूज़ करता हूँ ब्लॉगिंग करने में। तो गाइज मैं यहाँ पर वीवो का फ़ोन ले लिया हूँ, जैसे मैं तो यूज़ करता हूँ ऐसे रियलमी 5i, बट अभी मैं शूट कर रहा हूँ रियलमी 5i से, इसलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर वीवो का फ़ोन से आपको दिखाता हूँ। तो गाइज ये है मेरा वीवो का फ़ोन, एंड आप समझिए कि ये रियलमी है। तो मैं इस तरह से रियलमी को अपना फिट कर लेता हूँ,
एक सेल्फी स्टिक में मैं एक सेल्फी स्टिक रख रखा हूँ जो कि करता हूँ, वो ये काफ़ी लंबा भी हो जाता है इसलिए मेरे को ये काफ़ी सही लगा था। ऐसे तो मैं गोरिल्ला पॉड ले सकता था बट मेरे को सेल्फी स्टिक ज़्यादा अच्छा लगा। और गाइस ये भी मेरे को गिफ्ट में मिला था इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसमें एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं किया था, मेरे को गिफ्ट में मिला था। और गाइस जो मेरा माइक है वो मैं यूज़ करता हूँ माउनो का, ठीक है, जो कि 250 में मैंने ख़रीदा था बाय अमेज़ॉन, जो कि 250 रुपीज़ मेरे को पड़ा था। तो गाइस मैं करता क्या हूँ, जब व्लॉगिंग करने टाइम मैं सिंपली माइक को लगा लेता हूँ, ठीक है, एंड जो कॉलर पिन रहता है जो कि हम लोग कॉलर पर लगाते हैं, तो जैसे ये माइक में तो इस तरह से फिट रहता है बट मेरा भी टूट चुका है, इसलिए मैं करता क्या हूँ, मैं अपने माइक को यहाँ पे फिट कर लेता हूँ ये सेल्फी स्टिक का यहाँ पर, ठीक है, और माइक कुछ इस तरह से रहता है उसका, ठीक है, माइक मेरा कुछ इस तरह से रहता है, तो मेरा सेटअप कुछ इस तरह का हो जाता है। एंड गाइस जो बाकी बचा हुआ जो वायर है उसको मैं अपने हाथों से पकड़ लेता हूँ, ज़्यादा प्रेशर नहीं देता हूँ अपने हाथों को, फिर माइक टूट भी सकता है माइक का जो वायर है, इसलिए हल्के हाथ से मैं पकड़ लेता हूँ। एंड जो मेरा माइक रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है यहाँ पर फिट, ठीक है, और अभी तो टूट गया है तो मैं अभी इस तरह से रख के ब्लॉग कर रहा था, ठीक है, इस तरह से मैं गाइस ब्लॉगिंग करता हूँ। बट गाइस मैं ये घर पे सिर्फ करता हूँ, मैं अभी गाइस मैं जब भी बाहर ब्लॉगिंग करने जाता हूँ तो मैं इतना सारा सेटअप को नहीं लेके जाता हूँ और इतना सारा सेटअप भी नहीं बनाता हूँ, सिंपली मैं फ़ोन को लेकर जाता हूँ और फ़ोन से सिंपली इस तरह से पब्लिक के सामने ब्लॉग करता हूँ, सिर्फ इस तरह से, ठीक है। उस टाइम ना मेरे पास सेल्फी स्टिक ना मेरे पास माइक रहता है। और गाइज हाँ, जब भी मैं बाहर में ब्लॉगिंग करता हूँ तो गाइज मैं वहाँ पर बोलता नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, पता है कि पब्लिक के सामने मैं कुछ स्पीड में कह सकूँ, ज़्यादा लाउडली कह सकूँ, ठीक है, इसलिए मैं यूज़ नहीं करता हूँ वहाँ पर। तो मैं सिंपली सीन लेके आता हूँ और एडिट करने टाइम उसमें वॉइस ओवर कर देता हूँ। काफ़ी सारे जो स्टार्टिंग में जो ब्लॉगर होते हैं यही सब करते हैं, ठीक है, वो भी मैं भी यही काम करता हूँ। स्टार्टिंग में मैं सिंपली इस तरह से सीन लेकर आता हूँ घर पर, एडिट करने टाइम वॉइस ओवर कर देता हूँ, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा सीन है, ठीक है। तो इस तरह का मेरा सेटअप है जो कि मैं घर पे ओनली सेल्फी स्टिक और फ़ोन जो मेरा पूरा सेटअप है वो इस तरह से मैं ब्लॉग करता हूँ। एंड अगर जो बाहर या ब्लॉगिंग करने जाता हूँ तो सिंपली फ़ोन से इस तरह से ब्लॉग करके बाद में वॉइस ओवर कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह का मेरा कुछ सीन है। तो गाइस यही सब कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे मेरे को कि भाई कैसे ब्लॉग करता है, कैसे ब्लॉग करता है, क्या सेटअप है तेरा, तो यही कुछ सेटअप है गाइस, ठीक है। और हाँ, मैं ट्राइपॉड को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि ये ट्राइपॉड मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि ब्लॉगिंग में आता होगा, ठीक है। बट फिलहाल जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 5:24, ठीक है, आप देख सकते हो कितना फोकस हो रहा है अभी, 5:24 हो रहा है और सारे काम मैंने कर लिए हैं, पौधों में पानी डाल दिया और व्लॉगिंग वाला भी एक सूट कंप्लीट कर लिया, अब बस मेरा बचा है एक्सरसाइज करना, तो जल्दी से एक्सरसाइज करके चलते हैं हम नीचे क्योंकि बहुत थकान हो गई है इतने सारे काम करके, क्योंकि पौधों में पानी डालना कुछ ईजी नहीं होता है गाइस, बार बार जग से भरता हूँ, बार बार डालता हूँ, फिर भरता हूँ, फिर डालता हूँ, फिर भरता हूँ, फिर डालता हूँ, तो कुछ इस तरह का सीन हो जाता है। एंड गाइज इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, आपके पास अगर छड़ होता होगा चार, ठीक है, तो उस पर आप कुछ चीज़ तो ऐसा लगाते होगे ताकि वो आँख में या कोई भी बॉडी पार्ट में नहीं गड़े, तो बहुत लोग को मैं देखा हूँ इस तरह से करते हुए, और हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह का किया हुआ है, जहाँ पर नल है वहाँ पर दो पाइप और एक तरफ स्प्राइट का बोतल है और एक तरफ जग है, तो इस तरह का कुछ सीन है। अगर आप लोग के छत पर भी है तो कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। सो गाइज मैं एक्सरसाइज कम्प्लीट कर चुका हूँ और अभी फ़िलहाल टाइम हो गया है 5:52 और एक्सरसाइज का मैंने कोई भी सीन आपको नहीं दिखाया बिकॉज गाइज मैं 3 पार्ट एक्सरसाइज का वीडियो डाल चुका हूँ और आप लोग भी भाई बोर हो जाओगे, कहोगे कि यार एक ही चीज़ को 10 बार क्यों दिखाता है, तो इसीलिए मैं अभी आपको एक भी सीन नहीं दिखाया एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और अब 6 बजने वाले हैं, तो गाइज बहुत थक चुका हूँ और मेरे को जाके नीचे जल्दी से ग्लूकॉन्डी बना के पीना होगा बिकॉज बहुत ज़्यादा वीकनेस टाइप का लग रहा है, तो जल्दी से जाके ग्लूकॉन्डी पीता हूँ एंड उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइज अब बच चुके हैं 8 और फिलहाल बहुत दिनों के बाद हम लोग के यहाँ आया है रेस्टोरेंट का खाना, तो क्या क्या है मैं दिखाता हूँ, यही हमारा डिनर भी रहेगा, ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या कुछ हम लोग के यहाँ खाने के लिए आया है, और मैं और सिस्टर खाने आ चुके हैं और चलिए दिखाते हैं क्या क्या है हमारे खाने में। तो है गाइज यही है हम लोग आज का खाना, ये है बिरयानी, वेज बिरयानी, और ये है मशरूम का सब्जी, और यहाँ है तंदूरी रोटी और पेस्ट्री, ठीक है, ये है हम लोग का आज का डिनर, तो जल्दी से खाते हैं और आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड भी करते हैं, आई होप डैट आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, और अभी तक फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया जल्दी से जाकर फॉलो कर लीजिए, आईडी से हो रही है स्क्रीन पे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को क्लिक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कीप वॉचिंग, डू लाइक शेयर कमेंट ऑन आवर वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कीप वॉचिंग।